नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव तक बिहार और मैं हूं सुबोध सिंह। अक्टूबर महीने में विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज सकती है, जिसकी आवाज अभी से ही सुनाई देने लगी है। सभी पार्टियां और प्रत्याशी अपनी अपनी गोटियां सेट करने लगे हैं। हमारे साथ अभी लालगंज के पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला मौजूद है। इनसे हम इन तमाम पहलुओं और खास करके लालगंज की सियासत के विषय में बात करेंगे। पहले तो स्वागत है शुक्ला जी आपका गांव तक बिहार पे। और हमारा पहला सवाल यही है कि आपकी सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई, सभी कुछ लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं, कुछ लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, आपकी तैयारी कैसे चल रही है? के बीच जा रहे हैं, उनसे आशीर्वाद लेने का काम कर रहे हैं, जो आम आवाम का दिशा निर्देश होगा। लेकिन पेश तो फंस गया है लालगंज में। लालगंज के अभी जो एनडीए की ओर से लोजपा के विधायक है, आप जेडीयू के कद्दावर नेता माने जाते हैं, पहले आप जेडीयू के टिकट पे चुनाव जीत भी चुके हैं यहाँ से, और ऐसे निर्दलीय भी आप यहाँ पे आपको विजय श्री प्राप्त हुआ है, लेकिन इस बार तो पेच फंसा हुआ है। लोजपा जेडीयू दोनों ओर से दावेदार है, लोजपा के सिटिंग विधायक है, आप पूर्व विधायक है जेडीयू के। देखिए लालगंज में कोई पेच उच कभी फंसेगा नहीं। लालगंज की आम आवाम, लालगंज की नौजवान, लालगंज के माता बहने आगे बढ़ के अपना निर्णय लेता है और आगे बढ़ के निर्णय लेगा। लेकिन वो तो जनता पहले भी लेती है। सादा सारा पेच टूट जाएगा, कोई पेच फंसा उसा हुआ या नहीं है। भरोसा है कि एनडीए को की ओर से उम्मीदवार आप ही बनेंगे? जरूर, हम एनडीए में हैं, हम जेडीयू में हैं, उम्मीदवार हम होंगे। और जदयू की जिस समय की बात आप कर रहे हैं, लोजपा की बात कर रहे हैं, उस समय की परिस्थिति दूसरा थी और आज की परिस्थिति दूसरा है, इसलिए अंतर बहुत है, उससे इसको मत जोड़िए। वो समय और था, उस समय की परिस्थिति और थी, आज की परिस्थिति और। अरे एनडीए के उम्मीदवार होने का पूरा भरोसा है, लेकिन एक और निगेटिविटी ये जा रही है कि लोगों का आरोप है, जो लालगंज के जो जनता है उसका आरोप है कि 5 साल तक एनडीए के जो विधायक रहे, ऐसे लोजपा के विधायक है, लेकिन एनडीए के जो विधायक रहे वो क्षेत्र से गायब रहे, उनके खिलाफ में मुहिम चलाई जा रही है कि वो लापता साबित हुए, कहीं वो पिछले एक साल वो बांथू गांव गए थे, वहां पर लोगों ने उनको बंधक बना लिया था कि अब एकाधेक वो आ कैसे गए, लोग आश्चर्यचकित हुए थे और बंधक बना लिए थे कम से कम कुछ देर तो जनता के बीच में रहेंगे। कैसी है लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ वोट लेके घर बैठ जाइएगा और सूच जाइएगा तो उससे काम नहीं चलेगा। लोगों के बीच रहना पड़ेगा, लोगों का विकास करना पड़ेगा, लोगों का काम करना पड़ेगा, लोगों का सुख दुख बांटना पड़ेगा। आप विधायक बन के घर बैठ जाइएगा, इससे काम नहीं चलेगा, काम तो करना पड़ेगा। लोगों के करिए, गा के करिए, लोगों के बीच रहना पड़ेगा, लोगों का काम करना पड़ेगा, लालगंज के विकास के लिए, लालगंज के लिए जो कार्य है उसको निपटाना पड़ेगा, चाहे जैसे करिए। भागने से कोई ना काम चलता, भागने से कोई काम नहीं चलता। मुन्ना जी, पार्टी से बढ़ के जनता आपको यहाँ प्यार करती है, इसका उदाहरण यही है कि आप निर्दलीय भी यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। इस बार 2020 में आप चुनावी मैदान में जाइएगा, अखाड़े में जब आइएगा, तो वहाँ पर इस बार चुनावी मुद्दे क्या हो गया? चुनावी मुद्दा लालगंज का विकास, आम आवाम, लालगंज के गरीब मजदूर, किसान, व्यवसायिक, नौजवान, बहुत सारे मुद्दे। 5 साल की जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, 5 साल में उनसे सुख दुख बांटने वाला कोई रहा नहीं। विकास का कार्य एकदम ठप सफल गया, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। जो हम कर चुके थे वहीं से फिर शुरू करेंगे। ये 5 साल का कोई डेवलपमेंट नहीं है, 5 साल का कोई अचीवमेंट नहीं है। कोई किसी विभाग में हो, किसी योजना में हो, किसी वर्ग में हो, किसी गरीब को हो, किसान को हो, किसी योजना में कहीं भी किसी को ये पूछने वाला नहीं है कि जो सरकार का जो पैसा, जो योजना हमारे लालगंज के लिए आया है उसका रख रखाव कैसा है, उसका कार्य कैसा है, उसमें हुआ या नहीं हुआ, कोई देखने पूछने वाला नहीं है। एक तरह से लालगंज को निरंकुश बना दिया। लालगंज के सबसे अधिक जो मतदाता वर्ग है उसमें युवाओं की आबादी सबसे अधिक, युवा आपको वोट करे,
इसके लिए आप पे आपका कोई प्लानिंग? मेरा प्लानिंग है कि युवाओं को बात बोलने जा रहे हैं, मेरी बात सारी जिम्मेदारी हमारे यहाँ 60% गाँव में हो, बाजार में हो, प्रखंड में हो, दोनों प्रखंड के 40 पंचायत में हो, सब जगह हमारे युवा जो है आज खड़े हैं और तैयार बैठे हैं, हम उन तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, ये हमारी कमी है, लेकिन पहुँचेंगे। 2-3 तारीख से मैं शुरू करने जा रहा हूँ, वहीं से ही शुरू करूंगा, जगह पर पहुंचा। लोगों का ये भी कहना है कि जब कोरोना बंदी हुई यानी लॉकडाउन जैसे लागू किया गया तो लालगंज के जो जिन्हें बनना चाहिए था क्षेत्र में वो नहीं नजर आए, लेकिन मुन्ना शुक्ला की ओर से उन्हें राहत सामग्री पहुंचाई गई, उनके घर तक राशन पहुंचवाया गया। जहां तक हो सका है हम जिस लायक हैं उस लायक लोगों का कोरोना में मदद करने का काम हमने किया है, हमारी धर्मपत्नी और जगह देने का काम किया है, राहत दी है, जिस लायक हम रहे हैं जहां तक हो पाया है मैं वहां तक किया हूं और करता रहूंगा। तो यानी आपको पूरा भरोसा है कि जो आप अभी काम पहले किए हैं, आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड पीछे का है और वर्तमान में जिस गति से आपने लोगों की सेवा करने की कोशिश की है, यानी विजय श्री पुष्पा फिर से आपके वो जनता विजय श्री का माना बनाएगी? देखिए विजय श्री की बात तो दूर है, जहां तक सेवा करने की बात है, मुन्ना शुक्ला लालगंज में मन कर्म वचन के साथ सेवा किया और करता रहेगा, और विजय श्री और जीतना हारना तो आम आवाम जनता के बीच है, लोगों के बीच है, उनका देना। मैं अपना काम अपने मन कर्म वचन के साथ करता रहा हूँ और करूँगा। जनता का लालच जाना है, जो भी फैसला सुनाए मंजूर है, लेकिन आप जो विकास के जो काम करते रहे वो करते रहेंगे। जहाँ तक हमसे हो सका है, जहाँ तक हमसे मन करेगा, लालगंज के लिए मैं करता रहूँगा। तो अभी हमारे साथ लालगंज के पूर्व विधायक और जदयू के कद्दावर नेता मुन्ना शुक्ला से हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जनता की अदालत में हम जाएंगे, जनता जो भी फैसला सुनाएगी वो सर माथे पे, लेकिन मुन्ना शुक्ला लालगंज के विकास के लिए और लालगंज के हर एक आवाम के तरक्की के लिए हरदम साथ रहेगा और दिन रात नहीं देखेगा, उनकी तरक्की के लिए अपना योगदान देता रहेगा।